गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर इज स्ट्रेंथ टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 5%। मीन्स किसी वायर के लेंथ में 5% इंक्रीज हो रहा है। कैलकुलेट परसेंट चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, उसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट चेंज होगा। सो कंसीडर दिस इज द वायर, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, मीन्स थिकनेस ऑफ वायर, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। सपोज द इनिशियल लेंथ इज L1, द इनिशियल लेंथ इज L1, एंड दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। सो इससे रिलेटेड जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है पहले वो हम नोट करते हैं। जो R1 इज इक्वल टू, इन फर्स्ट केस रेजिस्टेंस इज R1, R1 इज इक्वल टू, एज यू नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सो फॉर द फर्स्ट कंडीशन R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1। In the second situation, the length of the wire is increased by 5%. Means अब इसे इस वायर के लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है। ये पता होगा कि जब वायर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा और लेंथ भी इसकी बढ़ जाएगी। तो इन द सेकेंड कंडीशन सपोज कि लेंथ L2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा हमारा वेरिएबल है, एक ऐसा हमारा इसमें वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसी वायर को, इस फर्स्ट इनिशियल वायर को ही हम इंक्रीज किए हैं और ये हमारा रो जो है इस मटेरियल की खासियत है, जो कि ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। इस सेकेंड केस में भी रो का वैल्यू रो ही रहेगा, सेकेंड केस में रो का वैल्यू रो ही रहेगा। तो हमें क्या करना है कि इस रो वाले को हमें एक कांस्टेंट के टाइप में नोट करना होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वायर, पता होगा वायर हमारा सिलेंड्रिकल शेप में होता है और इस सिलेंडर का, ये हमारा सिलेंडर हुआ और इस सिलेंडर में ये पार्ट हमारा पाई आर स्क्वायर, मीन्स ये ए होता है और ये होता है हमारा एल, मीन्स ये लेंथ ऑफ द सिलेंडर है। और अगर हम वॉल्यूम निकालें तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एल। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है कि ए हमारा पहले से दिया हुआ है तो इसको हम एक न्यू कांस्टेंट हम लेते हैं और वो न्यू कांस्टेंट क्या होगा, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में L1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई L1 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हो गया R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1 इंटू L1 अपॉन L1। तो ये कितना हो जाएगा, रो L1 स्क्वायर अपॉन, और ये A1 और L1, A1 मीन्स
पाई आर स्क्वायर एंड एल वन मीन्स द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये पाई आर स्क्वायर एल मिलकर क्या हुए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये हो गया वी। अब इन दोनों केस में रो हमारा इक्वल रहेगा दोनों केस में, और एक और वैल्यू है जो हमारा दोनों केस में इक्वल रहेगा, और वो वैल्यू अब है हमारा वी। मीन्स पहले केस में जो हमारा वॉल्यूम का वायर का वॉल्यूम था, वही वॉल्यूम हमारा सेकंड केस में भी होगा। तो अब हम इसको लेट करते हैं और इसको करते हैं और आर वन इज इक्वल टू के एल वन स्क्वायर वेयर वेयर के इज इक्वल टू रो बाई वी, वेयर इज वेयर के इज इक्वल टू रो बाई वी इज कॉन्स्टेंट। ये हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू हुआ, दिस इज योर नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए हमारा आर टू कितना हो जाएगा, फॉर द सेकेंड कंडीशन आर टू विल बी के एल टू स्क्वायर, के एल टू स्क्वायर। या इसको नोट करने से पहले हम पहले लेंथ हम निकाल लेते हैं, या फिर आर टू इज इक्वल टू के एल टू स्क्वायर इसको नंबर करते हैं नंबर सेकेंड। अब हमारा न्यू लेंथ क्या होगा, न्यू लेंथ एल टू का वैल्यू कितना होगा, कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 5%। तो हमारा न्यू लेंथ क्या होगा, एल टू इज इक्वल टू एल वन प्लस 5% ऑफ एल वन। तो ये कितना हो गया, एल वन प्लस 5/100 एल वन, और एल टू इज इक्वल टू 100 एल वन मीन्स 105 एल वन बाई 100। दिस इज योर सेकेंड लेंथ। सो फ्रॉम सेकेंड मीन्स वैल्यू को पुट करें, आर टू इज इक्वल टू के एंड एल टू स्क्वायर मीन्स 105 एल वन अपॉन 100 होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कंडीशन ऑफ द वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज परसेंट और चेंज कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। सो परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस तो परसेंट चेंज क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस वाले में फार्मूला यूज करते हैं, वही फार्मूला उसी टाइप का फार्मूला यहां पर भी यूज करेंगे। फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100। अब इसे कैलकुलेट करें, आर टू इज के टाइम्स 105 एल वन अपॉन 100 स्क्वायर माइनस, और इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, के एल वन स्क्वायर अपॉन, फिर अगेन इनिशियल रेजिस्टेंस इज के एल वन स्क्वायर इनटू 100। इसमें आप सिंपली सॉल्व करें, यहाँ देख लें के एल वन स्क्वायर कॉमन है के, और यहाँ से एल वन स्क्वायर और के एल वन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो के एल वन स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या बचा 105 अपॉन 100 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 अपॉन के एल वन स्क्वायर, के एल वन स्क्वायर एंड के एल वन स्क्वायर इज कैंसिल आउट। अब इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 105 होल स्क्वायर, एलसीएम ले लें, माइनस 100 होल स्क्वायर अपॉन, और ये अगेन डिनोमिनेटर में 100 स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 100 इंटू 100, और ये हो गया हमारा ये 100 एंड 100 कैंसिल आउट। और इसे सॉल्व कर लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, ये हो गया 105 प्लस 100 एंड सेकंड ब्रैकेट 105 माइनस 100 अपॉन 100, दिस विल बी इक्वल 100 प्लस 100 105 प्लस 100 इज 205 इंटू एंड 105 माइनस 100 इज 5 अपॉन
हंड्रेड मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10 अपॉन 100, दिस विल बी इक्वल टू 10.25%। तो अगर किसी वायर के लेंथ को 5% इंक्रीज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस में 10.25%। इफ करंट अक्रॉस ए गिवन रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 50%, कैलकुलेट द परसेंट इंक्रीज इन इट्स पावर। मीन्स अगर किसी सर्किट में करंट को हम 50% इंक्रीज करते हैं तो उस सर्किट में पावर कितने परसेंट इंक्रीज करेगा। सपोज ये हमारा एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R1 है एंड पावर P1 और करंट हमारा फ्लो हो रहा है I1, और सेकंड केस में रेजिस्टेंस हमारा सेम है, हमें पावर यानी P2 में कितने परसेंट चेंज है ये हमें फाइंड करना है, और कंडीशन दिया है कि इस बार करंट को इंक्रीज करके कितना रखा गया है 50%, इसमें इस करंट को 50% और इंक्रीज किया गया है। तो सेकंड केस में जो I2 का वैल्यू होगा, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस 50% ऑफ I1। तो यहाँ पे थ्री डिफरेंट थिंग्स दिए हुए हैं, फर्स्ट करंट, सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड पावर, और इस तीनों से रिलेटेड जो हमारा फॉर्मूला है पहले वो नोट कर ले। वी नो दैट P1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R, दिस इज योर नंबर फर्स्ट। P1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R। नाउ अब हमें चेंज करना है किसमें, करंट में, और करंट को इंक्रीज करना है अब पहले वाले से 50% और ज़्यादा करना है, तो न्यू करंट क्या होगा, न्यू करंट I2 इज इक्वल टू I1 प्लस पहले वाले करंट से 50% और ज़्यादा, I1 प्लस 50% ऑफ I1, दिस विल बी इक्वल टू I1 प्लस 50/100 I1, और I2 कितना हो जाएगा 150 I1 अपॉन 100। सो P2 कितना होगा, सेकेंड केस में पावर कितना हो जाएगा I2 स्क्वायर R, एंड द वैल्यू ऑफ I2 इज 150 I1 अपॉन 100 स्क्वायर इंटू R। हमें फाइंड करना है परसेंट इंक्रीज इन पावर, सो परसेंट इंक्रीज इन पावर इज इक्वल टू फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर अपॉन इनिशियल पावर इंटू 100। सारे वैल्यू को पुट करें, द वैल्यू ऑफ P2 इज इक्वल टू 150 अपॉन 100 I1 होल स्क्वायर, I1 होल स्क्वायर R माइनस I1 स्क्वायर R अपॉन I1 स्क्वायर R इंटू 100। यहाँ से I1 स्क्वायर को बाहर करें, और ये I1 स्क्वायर और ये I1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये हो गया I1 स्क्वायर R और ब्रैकेट, ये हो गया 150 अपॉन 100 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन I1 स्क्वायर R इंटू 100। I1 स्क्वायर R एंड I1 स्क्वायर R विल बी कैंसिल आउट। अब इसे सॉल्व कर लें, ये हो गया हमारा 150 होल स्क्वायर, यहाँ से LCM डायरेक्ट ले लें तो ये 100 स्क्वायर माइनस 1, ये 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100 स्क्वायर अपॉन, अगेन डिनोमिनेटर में 100 स्क्वायर है, इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए प्लस बी 150 प्लस 100 एंड ए माइनस बी 150 माइनस 100
अपॉन 100 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई 100, 100 एंड 100 कैंसिल आउट, दिस विल बी इक्वल टू 150 प्लस 100, दिस इज 250 मल्टीप्लाई 150 माइनस 100, दिस विल बी 50 अपॉन 100, और ये हो गया 25, 5 125, 2 टाइम 0 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, ये आ गया 125%। यानी किसी सर्किट में करंट को अगर 50% हम इंक्रीज करेंगे तो उसके पावर में 125% इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नानी हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर। मीन्स दो वायर जो सेम लेंथ के हैं और उसमें फर्स्ट वायर कॉपर का है और सेकंड वायर जो है वो मैग्नानीन का है, हमें चेक करना है कि कौन सा वायर मोटा है, कौन सा वायर थिकर है। तो इन दिस केस ये हमारा हो गया वायर, फर्स्ट वायर, वायर वन, और ये हो गया हमारा सेकंड वायर, वायर टू, और दोनों के लेंथ क्या हैं, दोनों के लेंथ सेम हैं। और जब लेंथ हमारे सेम हैं और वायर वायर दोनों वायर के लेंथ हमारा सेम है तो दोनों के जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो यहाँ लेट करते हैं कि लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट वायर इज ए वन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड वायर इज ए टू। सो और दोनों केस में जो हमारा रेजिस्टेंस होगा भाई, इस इन दोनों केस के लिए रेजिस्टेंस हमारा सेम हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी लेकिन डिफरेंट होगी, डिफरेंट इसलिए होगी कि फर्स्ट वायर जो है हमारा कॉपर का है, मटेरियल दूसरा है, और सेकंड वायर का जो मटेरियल है वो दूसरा है। इस फर्स्ट वायर हमारा कॉपर का है और सेकंड वायर मैग्नानीन का है। तो यहाँ हम लेट करते हैं, लेट द रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वायर बी रो सी, मीन्स रो सी मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, एंड रो एम रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नानीन रिस्पेक्टिवली। सो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये कितना होगा रो सी एल बाई ए वन, बिकॉज लेंथ इज सेम इन बोथ केसेस। एंड सेकेंड, दिस इज नंबर फर्स्ट, एंड फॉर द सेकेंड वायर R इज इक्वल टू रो एम एल बाई ए टू, दिस इज नंबर सेकेंड, डिवाइड और डिवाइड क्या करना है इसमें दोनों को कंपेयर कर दें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड वो इक्वल हैं तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे। रो सी एल बाई ए वन इज इक्वल टू रो एम एल बाई ए टू, एल एंड एल कैंसिल आउट और रो सी अपॉन रो एम इज ट्रांसफर इन लेफ्ट साइड, रो एम इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू। अब एज
यू नो दैट दिस इज योर नंबर थर्ड एज यू नो दैट कॉपर और मैग्नानिन में जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी है वो मैग्नानिन की होगी और कॉपर की रेजिस्टिविटी वो कम होगी. एज यू नो दैट रो सी इज लेस देन रो एम और रो सी अपॉन रो एम इज लेस देन क्या होगा वन. रो सी अपॉन रो एम इज लेस देन वन. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम थर्ड रो सी अपॉन रो एम इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू एंड रो सी अपॉन रो एम इज लेस देन वन. सो रो सी अपॉन रो एम इज लेस देन वन. सो वन और यू कैन राइट लाइक दिस ए वन अपॉन ए टू इज लेस देन वन बिकॉज रो सी अपॉन रो वन इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू. इफ रो सी अपॉन रो वन इज लेस देन वन देन ए वन अपॉन ए टू इज ऑल्सो लेस देन वन और ए वन इज लेस देन ए टू. सो ए टू इज थिकर देन ए वन यानी सेकेंड वायर फर्स्ट वायर से थिकर होगा. मीन्स जो सेकेंड वायर हमारा मैग्नानिन का है मैग्नानिन वायर इज थिकर देन द कॉपर वायर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wire of resistance 5 ohm is drawn out so that its length is increased by twice its original length. Calculate its new resistance. Means एक वायर है एक वायर है जिसका लेंथ 1 है और मटेरियल रो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए वन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए वन और इसे हम खींच करके लंबा करते हैं और कितना लंबा करते हैं इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ. यानी हमें ओरिजिनल लेंथ मतलब इसके ओरिजिनल लेंथ के ट्वाइस जितना हम इसे खींच कर लंबा करते हैं. सपोज कि अगर इसका लेंथ L1 है L2 कितना होगा L1 प्लस 2L1 इस ओरिजिनल लेंथ और प्लस ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ. L1 प्लस 2L1 कितना होगा ये 3L1 हुआ. इन दिस केस इन फर्स्ट सिचुएशन R1 कितना होगा R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1. अगेन इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि बोथ केस में अगर हम वायर को इंक्रीज भी करते हैं तो बोथ केस में जो रो की वैल्यू होगी वो सेम होगी. तो अगेन इसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में चेंज करेंगे तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम L1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय L1 मल्टीप्लाई बाय L1 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. R1 कितना हो गया रो L1 बाई A1 इंटू L1 बाई L1 ये हो गया रो L1 स्क्वायर अपॉन पाई L1 स्क्वायर और ये कितना हो गया रो L1 स्क्वायर अपॉन पाई A मीन्स पाईर स्क्वायर एंड L1 मीन्स लेंथ ऑफ द वायर और लेंथ वायर किस शेप में होता है सिलिंड्रिकल शेप में होता है. ये हमारा टोटल वॉल्यूम का फार्मूला है एंड ये दिस विल बी V. तो R1 इज इक्वल टू रो L1 स्क्वायर बाई V. दिस इज योर नंबर फर्स्ट. नाउ अब न्यू लेंथ क्या है हमारा न्यू लेंथ इज L2 और L2 द वैल्यू ऑफ L2 इज
L1 plus 2L1 is equal to 3L1. Now R2 will be rho L2 square upon V. Put the value of L2, then R2 is equal to rho 3L1 square upon V. This will be equal to 9 rho L1 square upon V. This is your number second. Now divide second from first. R1 upon R2 is equal to, the value of R1 is rho L1 square upon V, rho L1 square upon V upon 9 rho L1 square upon V. V and V cancel out. Rho L1 square and rho L1 square is cancel out. So R1 upon R2 is equal to 1 upon 9. Since R1 is equal to 5 ohm. R1 is equal to 5 ohm. Then 5 upon R2 is equal to 1 upon 9, or R2 is equal to 9 into 5. This will be equal to R2 is equal to 45 ohm. यानी सेकंड केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेकंड केस में रेजिस्टेंस 45 ओम हो जाएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट परसेंट विल द इल्यूमिनेशन ऑफ द लैंप डिक्रीज इफ द करंट ड्रॉप्स बाय 20%. मींस अगर यहाँ इल्यूमिनेशन वर्ड मीन्स इल्यूमिनेशन का मतलब है ब्राइटनेस. मीन्स अगर करंट में हम करंट को 20% कम करते हैं तो ब्राइटनेस कितने परसेंट कम होगा. मीन्स और ब्राइटनेस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मीन्स जितना हमारा हीट जनरेट होगा उतना ही वो डिवाइस या वो बल्ब हमारा ब्राइटनेस देगा. तो यहाँ पे ब्राइटनेस इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू हीट जनरेटेड. मीन्स हम ब्राइटनेस का तो कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़े नहीं है. तो ब्राइटनेस हमारा किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली हीट जनरेटेड के प्रोपोर्शनल है. तो हम अब यहाँ पे डायरेक्ट हीट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. We know that H1, अब यहाँ पे हमारे पास हीट के डिफरेंट फार्मूले हैं. तो यहाँ पे हीट का एक ऐसा फार्मूला हमें लेना है जिसमें रेजिस्टेंस और टाइम हमारा सेम रहेगा. चेंज क्या होना है हमारा? चेंज हमारा सिर्फ करंट होगा. तो हमारा हीट का फार्मूला हो जाएगा H1 is equal to I1 square RT. This is your number first. अब न्यू करंट क्या है हमारा? न्यू करंट, करंट कितने परसेंट ड्रॉप हो रहा है? 20%. तो अब करंट हमारे पास कितना हुआ? अब तो सिर्फ हमारे पास 80% ही करंट जो है हमें फ्लो कराना है. तो यहाँ पे I1 को भी केवल I ही लिखें क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से 80% हम फाइंड कर चुके हैं. तो यहाँ पे H2 कितना हो जाएगा? H2 इज इक्वल टू 80% ऑफ I इंटू RT. तो ये हो गया 80% ऑफ I स्क्वायर RT. दिस विल बी इक्वल टू 80 upon 100 I square RT. दिस इज योर नंबर सेकेंड. डिवाइड करें यहाँ पे, डिवाइड सेकेंड फ्रॉम
फर्स्ट, ये हो गया एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 80 अपॉन 100 आई स्क्वायर आर टी। यहाँ ये हो गया एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन, यहाँ से आई का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और ब्रैकेट में हो गया 80 अपॉन 100 होल स्क्वायर एंड आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी एंड आई स्क्वायर आर टी कैंसिल, जीरो एंड जीरो कैंसिल, फोर टू फोर जा एट एंड टू फाइव जा टेन, एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू वन अपॉन, ये हो गया फोर अपॉन फाइव होल स्क्वायर मीन 16 अपॉन 25 एंड दिस विल बी इक्वल टू एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू 25 बाई 16। ये हमारा एच वन अपन एच टू का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है परसेंट डिक्रीज ऑफ हीट, परसेंट डिक्रीज इन हीट। अब हम फाइंड करते हैं परसेंट डिक्रीज इन हीट इज इक्वल टू, तो डिक्रीज के लिए फॉर्मूला है एच वन माइनस एच टू मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इसको और सॉल्व कर लें, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे एच वन अपॉन एच वन माइनस एच टू अपॉन एच वन इंटू 100 और ये हमारा कैंसिल हुआ, ये आ गया वन माइनस एच टू अपॉन एच वन इंटू 100 और वन माइनस सिंस एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू 25 बाई 16 देन एच टू अपॉन एच वन कितना हो गया, ये हो गया 16 अपॉन 25। यहाँ पर एच टू अपॉन एच वन का वैल्यू रखें 16 अपॉन 25 इंटू 100, ये हो गया 25 वन जो 25 माइनस 16 इज 9 बाई 25 इंटू 100 और ये हो गया 25 फोर जा 100, दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू 4 मीन्स 9 फोर जा 36%। सो अगर हम किसी सर्किट में करंट को 20% ड्रॉप करेंगे तो उसके इल्यूमिनेशन में 36% उसका इल्यूमिनेशन जो है 36% डिक्रीज करेगा।